2024 के चुनावी रण से पहले आरजेडी झारखंड में अपनी खोई हुई जमीन और जनाधार को मजबूत करने की कवायद में जुट गई है। इसी कड़ी में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव झारखंड पहुंचे, जहां आज उन्होंने रांची के कार्निवाल बैंकेट हॉल में आरजेडी की ओर से आयोजित पार्टी के मिलन समारोह में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड पर हम लोगों का खासा ध्यान है और यहां हम पार्टी की विचारधारा के साथ जनता के बीच जाएंगे। बिहार के डिप्टी सीएम ने कहा कि झारखंड में मेरा पहले से लगाव रहा, लेकिन बिहार के राजनीतिक हालात के चलते वहां रहना जरूरी है। इस दौरान तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि बीजेपी झारखंड में क्या खेल कर रही है वो सभी जानते हैं। सरकार को एजेंसियों के बल पर गिराने की कोशिश की जा रही, तेजस्वी यादव ने साथ ही कहा कि बीजेपी पूरे देश में खेल कर रही थी, लेकिन बिहार में इनके साथ खेला हो गया। कि ये लोग वो को पक्ष ले रहा कि यहां आदिवासी मुख्यमंत्री है, हम लोगों के यहां भी छापे मारे, यहां भी छापे मारे, कहां कहां ये लोग इस प्रयास पे नहीं लाओ। और आप देखिए, जब ये सरकार पिछड़ों के लिए आरक्षण लाती है तो गवर्नर जो अभी तक पास ही नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहा? ये दलित विरोधी सरकार भाजपा की, भाजपा वाले दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है। और हम कल मुख्यमंत्री जी से मिल के आए हैं, हमने कहा है कि भैया हम लोग सरकार में भी हैं और मुख्यमंत्री जी आपको निर्णय लेना है, आपको ये निर्णय लेना है कि कहीं हमारे कार्यकर्ताओं के साथ भेदभाव ना हो, उनका भी सम्मान जो है आप रखने का काम की। कौन लोग बिहारी मजदूर है, कौन लोग जो है भूमिहीन है, कौन लोग जो है एक कमरे में बसर करता है, कौन लोग जो है कचरा साफ करते हैं, नाला साफ करते हैं, कौन लोग ठेला चलाता है, रिक्शा चलाता है। तो जब तक आपके पास साइंटिफिक आंकड़े नहीं होंगे, तब तक आप बजट में जो है कल्याणकारी योजनाएं ढंग से आप लागू नहीं कर सकते।